जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है जल्द जिंदा रहने के लिए। हाय देयर, दिस इज मुदासिर एंड आई वेलकम यू बैक टू द मरी शो। एंड आज बात करेंगे एलियन लाइफ के बारे में। एलियन का मतलब जादू नहीं होता है, ना ही एलियन वर्सेस प्रेडेटर के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। बात इस चीज पे होने वाली है कि क्या हम सही चीज ढूंढ रहे हैं अंतरिक्ष में। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने एलियन लाइफ के बारे में कुछ दो चार चीजों को ना बिल्कुल से ऐसे मुट्ठी बांध लिए कि यही होना है। जैसे कि एलियन हमारी तरह होंगे, वो हमारी तरह सांस ले रहे होंगे, वो हमारी तरह खाना खा रहे होंगे जिंदा रहने के लिए, वो हमारी तरह किसी सोलर प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है सच हो। जैसे कि आपने कोई मिल गया मूवी में देखा होगा, उसमें जो कैरेक्टर जादू था वो धूप की वजह से जिंदा रहता था। ठीक है, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अपनी ही तरह का लाइफ फॉर्म। क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी तरह के लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है वो आग खा के जिंदा रहता है? तो अब यहां पे हमारा सोच का दायरा बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोगों ने स्पेस में ऐसी लाइफ फॉर्म ढूंढ रहे हैं जो खाना खाए, सांस ले, प्लैनेट पे एटमॉस्फियर हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, अलग लाइफ फॉर्म हम सोच ही नहीं पाते, और जो चीज हम सोच ही नहीं पाते उसको ढूंढ ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को पता है कि देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर राइट नाउ। ठीक है, 5 स्टेट्स हो गए, 3 पुराना था, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 गॉड नोस कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे, हमको पता है क्या? नहीं पता है, तो हम लोग उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे। अगर हम लोगों को यही नहीं पता है यार अभी तक कि हमारे कितने यूनिवर्स हैं, हम लोग उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे। हम लोगों ने डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के बारे में पता है, बट वी आर अनएबल टू डिटेक्ट दैट। क्यों? क्योंकि हम उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे। वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी एंड द साइंस टू रिवील दैट। ये सारी चीजें ऐसे ही हमारी एलियन लाइफ पे काम करती है। हम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी एलियन लाइफ किस तरीके से हमको मिलने वाली है। हो सकता है कि हम लोग जब मार्स पे जाएं तो हमको पता चले कि उसके मार्स की सरफेस के नीचे हम लोगों को बहुत सारी ऐसी एलियन फॉर्म मिलते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है जिंदा रहने के लिए। वो लोग मिट्टी खा के जिंदा रह रहे हैं, या मैं कहूं तो वो नाइट्रोजन लेके जिंदा रह रहे हैं, या कोई भी कार्बन का फॉर्म लेके जिंदा रह रहे हैं। तो इस तरीके से एलियन लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। हो सकता है हमको कोई ऐसी एलियन फॉर्म मिल जाए जो मेटल खा के जिंदा रहती है, या हो सकता है कोई ऐसी एलियन फॉर्म मिल जाए जिसके ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन टाइप की चीज है, इसकी वजह से जिसको एटमॉस्फेयर की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी तो देखी होगी, कितने तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, कितने तरीके के लाइफ फॉर्म वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर अर्थ पे भी बात करें तो यहां पे टार्डिग्रेड्स नाम के एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग वाटर बेयर भी कहते हैं। ये आपको ऐसी कंडीशन में मिलेगा जहां पे लाइफ फॉर्म को आप एग्जिस्ट करते हुए सोच ही नहीं सकते। ये आपको वोल्केनोस के अंदर तक मिलेगा। ठीक है, सोचो, वोल्केनो लावा के पास आपको ये ऑर्गेनिज्म मिल रहा है जिंदा रहते हुए, तो सोचो कि कितनी हार्श कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एलियन लाइफ फॉर्म हम लोग कैसे ढूंढ रहे हैं और हमको कैसी एलियन लाइफ फॉर्म मिलने वाली है, इस पे डिबेट हमेशा चलती रहेगी अनलेस एंड अनटिल वी एनकाउंटर एन एलियन लाइफ फॉर्म। बात करते हैं जो एलियन हम लोगों को मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, अगर आप ध्यान दो तो हम लोगों ने एलियन को ऐसे इमेजिन किया हुआ है कि दैट विल रिजेंबल अ ह्यूमन बीइंग। उसके भी हम दो आंख देते हैं, एक नाक, एक मुंह, दो कान, हाथ पैर सब देते हैं टू मेक इट लुक लाइक मोर ह्यूमन, सो दैट वी कैन रिलेट टू एन एलियन। ठीक है, वी कैन रिलेट इट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, टू वी कैन रिलेट इट टू बी अ लिविंग बीइंग, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर हमको कुछ अजीब तरीके का दिख जाए तो हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोगों को ऐसे एलियंस दिखाए जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें आज कि एलियन लाइफ फॉर्म कैसे हम लोगों को ढूंढना चाहिए या किस तरीके का लाइफ फॉर्म हमको ढूंढना चाहिए। आप मुझको बताओ, अगर आप आज नासा के साइंटिस्ट में से एक होते तो आप किस तरीके के लाइफ फॉर्म को स्पेस में सर्च कर रहे होते? क्या इंसान की तरीके के कोई स्पेस लाइफ, तो कोई लाइफ आप सर्च कर रहे होते, या नॉर्मल आप किसी भी तरीके की लाइफ को सर्च कर रहे होते? मुझको नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मुझको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट एलियन लाइफ एंड हाउ यू कैन फाइंड द एलियन लाइफ इन द अपकमिंग फ्यूचर इन द नियर स्पेस। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।